लेकिन 12 किलो का आदमी होगा, कोई बच्चा उसको पानी लीटर चाहिए नहीं चाहिए, 180 किलो का होगा, 122 किलो का कोई भी होगा, उसके लिए तो 5 लीटर नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी के मुताबिक आपको पानी को कंज्यूम करना चाहिए। अगर नॉर्मल आदमी है जो कि कोई काम नहीं करता, पीछे बैठा हुआ, चेयर में बैठा हुआ, घर में सोता रहता है, खाता रहता है, मतलब नॉर्मल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वो आदमी को कितना चाहिए? यानी हमको वो फॉर्मूला है, पानी कितना चाहिए? 33 ml पर केजी पर डे, समझ गया? क्या है? 33 ml पर केजी पर डे, यानी मेरे को मेरा 70 kg, समझ गया? 33 ml × 70 केवल दिन में इतना आपको पीना चाहिए, ऐसा में 33 7 0 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
1 0 2 3 1 0 1 0 3 1 0 1 0 ये ना इतना है नहीं, यानी ये आपको पर डे नॉर्मल आदमी काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, जीरो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, 33 × 70 इक्वल इतना पानी नॉर्मल पीना चाहिए आदमी, नॉर्मल आदमी। अभी आप 1 किलो एक क्या करना, एक कर रहे हो, क्या बोलते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा करते हो, कहीं अपना बॉडी बिल्डिंग कोई भी एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा करते हो, तो उसमें क्या करना है, 1.5 लीटर जोड़ना है, समझ गया। इसके अलावा क्या करना है, 1.5 लीटर जोड़ना है, ये कितना हो गया, 3.810 हो गया ना, इतना नॉर्मल आपको पीना चाहिए अगर 1 घंटा एक्टिविटी करता है तो, मान लीजिए। इसके अलावा और एक रह जाता है मौसम, क्लाइमेट, क्लाइमेट अगर आपका 30 डिग्री से ऊपर है तो और उसमें और जोड़ देना कितना, 650 ml, समझ गया, कितना आ जाएगा, 0.6 4 4 4 ये ना, 4 में 4.5 लीटर यहाँ कम से कम पानी पीना चाहिए, इससे कम कभी नहीं पीना, ऐसा में आएगा। 33 ml पर डे का निकल के नॉर्मल आदमी पीना चाहिए, 1 घंटा आप एक्सरसाइज करते हो 1.5 लीटर मिलना चाहिए, और 2 घंटा करते हो 1.5 लीटर जोड़ देना, इस प्रकार 1.5 लीटर जोड़ते रहना, जितना आप 1 घंटा बढ़ा दिया। उसके बाद 30 डिग्री से ऊपर मौसम वाला इलाका में कितना, और 600 ml 50 ml जोड़ देना, हर क्लियर होगा, मतलब इतना आपको पानी डेली पीना चाहिए, हर क्लियर है।